हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं करने वाली हूँ एक ब्यूटीफुल सा अर्चना गौतम इंस्पायर्ड लुक, जो बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट है। सो या इस लुक को मैंने किस तरीके से क्रिएट किया है, आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना होगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने अपने हेयर को अच्छे से क्लिप कर लिया क्योंकि वो मेकअप करते हुए मेरे फेस पर ना आए, और फिर उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर टोनर और अपने फेस पर इस तरीके से लगाई है क्योंकि हमारी स्किन जो है ठंडे में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो उसे अच्छे से हाइड्रेट करना जरूरी होता है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे मॉइस्चराइजर और उसे अच्छे से अपने फेस पे लगाएंगे और मसाज करते हुए। अगर आप अर्चना के फ़ैन हो तो प्लीज़ कमेंट में रेड हार्ट कमेंट करना, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने लिया है फाउंडेशन, और इसमें मैंने मॉइस्चराइजर मिक्स किया है क्योंकि जो मेरी स्किन है वो बहुत ज़्यादा अभी ड्राई चल रहा है, इसकी वजह से फाउंडेशन में मैंने मॉइस्चराइजर को मिक्स करके लगाया है और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल सा लुक है इसलिए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड किया है पूरे फाउंडेशन को अपने फेस पे। नेक्स्ट मैंने लिया लूज पाउडर, अपने अंडर आईज को पूरा सेट किया बहुत अच्छे से, और थोड़ा थोड़ा अपने फेस को भी सेट कर लिया है। आईब्रोज को फिल करेंगे हम जल्दी जल्दी, और फिर आउट ऑफ कॉर्नर से थोड़ा डार्क रखेंगे और इनर कॉर्नर से लाइट लाइट सा है जो बस थोड़ा थोड़ा सा, बस उसे ज़्यादा नहीं करने वाले हम फिर आईब्रोज को, और ये बहुत ज़्यादा नेचुरल सा लुक आ रहा है। और उसके बाद लिया है मैंने यहाँ पे लाइट ब्राउनिश कलर, आप बोल सकते हो ये ब्राउन टोन का है, ये मैंने आई शेडो लिया था और अपने आईज पे पूरे आईलिड पे मैंने अप्लाई किया है। यहाँ पे हमारा जो आई शेडो है वो डन हो चुका है, और जब आप इंस्पायर्ड लुक जब क्रिएट करते हो तो आपको कुछ न्यू सीखने को मिलता है। मैंने कभी भी इतना सिंपल सा लुक नहीं किया था, सो यस आई रियली लाइक इट। सो इस तरीके से मैंने किया और फिर बहुत नेचुरल सा लुक लग रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे विंग लाइनर ड्रॉ किया, थोड़ा ज़्यादा विंग मैंने निकाला, जिस तरीके से पिक में मुझे नज़र आ रहा है सेम उस तरीके से मैंने अपने आई लुक को जो है वो कम्प्लीट किया है। नेक्स्ट मैंने लिया था मस्कारा और अच्छे से अपने लैशेस को मस्कारा की हेल्प से कर्ल करते हुए मस्कारा अप्लाई किया है, और फिर यहाँ पे लगाया मैंने फॉल्स लैशेस क्योंकि इसके बगैर मेकअप अधूरा सा लगता है। और यहाँ पे हो चुका है हमारा आई मेकअप डन। नेक्स्ट मैंने लिया था ब्लश, उसके बाद अपने चिक्स पे मैंने इस तरीके से ब्लश अप्लाई किया, ये ऑरेंज ब्लश ही मैंने लिया था और उसे अप्लाई किया है। यहाँ पे नोज़ पे भी लगाएंगे थोड़ा थोड़ा सा, और फिर उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया है मैंने। और उसके बाद लिया था मैंने यहाँ पे वाइट काजल और अप्लाई किया मैंने इस तरीके से, वो जो पिक है अर्चना गौतम का वहाँ पे आप देखोगे वो वाइट काजल अप्लाई किया था उन्होंने, तो वहाँ पे मैंने अप्लाई किया है वाइट काजल। और लिया है हाईलाइटर, उसे हम लगाएंगे अपने मतलब ऑल ओवर फेस जहाँ जहाँ पर आपको हाईलाइट करना है वहाँ पर। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे न्यूड सा लिपस्टिक जो मेरा फेवरेट है हिलारी रूडा का, वो मैंने अप्लाई किया है यहाँ पे, और फिर मेरा लुक जो है वो डन हो चुका है। यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, वो है बिंदी, सो अभी मैं लगाने के बाद आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पे बिंदी भी डन हो चुका है, इयररिंग्स मैंने वेयर कर लिया, और दिस इज़ फाइनल लुक। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।